चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद दिव्या चुग। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चारकोल पील ऑफ मास्क का रिव्यू। मैं इससे पहले और भी पील ऑफ मास्क यूज कर चुकी हूँ, बट ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ और ये मेरे पास है। मैं आपको दिखा देती हूँ चारकोल पील ऑफ मास्क। एक्चुअली चारकोल स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ये स्किन से डर्ट रिमूव करता है और इससे जो है स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। चारकोल स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। और बात रही पील ऑफ की, तो पील ऑफ आपकी स्किन में जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है और जो आपकी फेशियल हेयर होते हैं उनको भी रिमूव करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इससे स्किन में जो है एक ग्लो आता है। अगर आपने कहीं भी पार्टी वगैरह में जाना है, आप सिर्फ ही पील ऑफ मास्क यूज़ करके भी एक अच्छा ग्लो ले सकते हैं। तो पील ऑफ और चारकोल दोनों के कॉम्बिनेशन ओवरऑल ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो देखते हैं कि ये चारकोल पील ऑफ मास्क का रिजल्ट कैसा है। पहले हम इसे यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये सच में इफेक्टफुल है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। गाइस तो यहाँ मैं इनको इसे अप्लाई कर रहे हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं और उनसे बोला भी नहीं जा रहा है। तो ये ड्राई हो चुका है और कई कई जगह से ये मैंने ये अपर डायरेक्शन में अप्लाई किया है, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। तो आपको बता देती हूँ मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ इसको अप्लाई किया है। तो बाकी गाइस ये ड्राई हो चुका है तो मैं इसे अब पील ऑफ कर देती हूँ। देख सकते हो मैं यहाँ से कुछ स्क्रैच कर लूँगी इसको। इस तरह से ही उतर रहा है, स्ट्रेच करना पड़ रहा है मुझे और ये ऐसे ही उतरता है एक्चुअली। पीलो देख सकते हो आप, देख सकते हो आप कितना ही ज़्यादा ये यहाँ पे तो स्किन सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। इसी तरह मैं सारा उतार लूँगी यहाँ से थोड़ा गीला है एक्चुअली। स्क्रैच करेंगे और इस तरह से उतार लेंगे। देख सकते हो कितना इफेक्टिव है ये। आई रियली लाइक इट। सो मैं इसको हल्का हल्का स्क्रैच कर लूँगी और वहाँ से खींच लूँगी। आई रियली लाइक इट, बहुत अच्छा वर्क है इसका। से भी इस तरह से वैसे हमें ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है करना चाहिए। तो मैं जैसे उतर रहा हूँ क्योंकि बहुत पेनफुल हो रहा है तो मैं ऐसे ही उतार दूंगी इसको।
मेरे नोज़ के इस एरिया पे मुझे वाइट वाइट ड्राई स्किन थी, तो वो भी इससे बहुत रिमूव हो गई अच्छे से। जिस चीज़ के लिए मैंने इसे यूज़ किया था ये वही काम कर रहा है, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको लगाने के बाद जब मैंने इसे अप्लाई किया था तो ये बहुत ही स्किन के ऊपर ठंडा ठंडा लगता है। जिस तरह से एक नवरत्न तेल होता है जब हम उसको सिर पे लगाते हैं तो वो एक कूल कूल इफेक्ट देता है, उसी तरह से ये फेस पे ठंडा ठंडा लगता है, मिंट काइंड ऑफ। ये उतार दिया मैंने, स्किन बहुत ऐसे लग रही है जैसे बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग। क्लियर हो गई है एकदम स्किन ना, आप देख सकते हो कितना अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है स्किन। यहाँ से भी जहाँ जहाँ से मैं इसको उतार रही हूँ बहुत सॉफ्ट और क्लियर होती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पील ऑफ यही काम करता है आपकी स्किन को, जो भी ड्राई स्किन होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, फेशियल हेयर भी रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये वाला चाकुल वाला मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। यहाँ से भी इस तरह से हल्का हल्का स्क्रैच करके उतार लेंगे, बहुत हल्के से कर रही हूँ मैं, आपको भी हल्के से करना है, ज़्यादा हार्श नहीं होना है स्क्रैच के टाइम। तो यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, देखिए बहुत क्लियर हो गई है स्किन, मुझे बहुत पसंद आया ये रियली। देख सकते हो स्किन ग्लो कर रही है और काफ़ी इफेक्ट पड़ा है ना इससे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। मैं इसको पूरा रिमूव करके फिर आपसे बात करती हूँ। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे इसको पूरा रिमूव कर लिया है अच्छे से, और मैं आपको ये बताऊँ यहाँ मेरी आईब्रेज पे लग गया था ये, तो फिर मैंने उसको पील ऑफ नहीं किया है। मैं आप कोई भी टावल या फिर कुछ भी लेके यहाँ से गीला करके उसको उतार सकते हैं, वो इजीली उतर जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ मेरे कान पे लगा हुआ है, तो मैं इसको, ये हो गया साफ, देख सकते हो आप, इसने बहुत अच्छा ब्राइटनिंग इफेक्ट दिया है, मेरी स्किन बहुत क्लियर हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो पर्सनली मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं अभी गेर दूँगी बाहर डस्टबिन में। तो सर्दियों में मेरी स्किन थोड़ी ड्राई होती है और तो यहाँ मुझे हल्का सा ड्राइनेस लग रहा है, तो मैं उसके लिए अपना कोई भी फेशियल ऑयल या फिर सीरम या फिर कोल्ड क्रीम यूज़ कर लूँगी, अभी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं अपना थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अमाउंट में फेशियल ऑयल यूज़ कर लूँगी। मैं इसे अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी। अप्लाई कर लिया है और सच्ची में इसने बहुत अच्छा वर्क किया है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप भी इसे यूज़ कीजिए एक बार, बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं इसके, देख सकते हो आप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।